नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला में राहगीरों को पुलिस ने रोका और सैनिटाइज करके व स्क्रीनिंग करके शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों के द्वारा उन्हें अपने गंतव्य की तरफ भेज दिया है। आपको बता दें कि जैसे कि पिछले लगभग 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, उसी को देखते हुए जो अपना कामकाज छोड़कर अपने गंतव्य की ओर लोग निकले, वह जैसे ही वह जनपद अमरोहा के गजरौला पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें रोककर पहले तो सभी को सैनिटाइज किया और उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद शासन द्वारा भेजी गई 5 बसों से अपने गंतव्य को रवाना कर दिया। मैजिस्ट्रेट सदानंद सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर 172 व्यक्ति थे और सभी को 5 बसों के द्वारा अपने गंतव्य की ओर भेज दिया है। यह शासन द्वारा 5 बसें यहां पर भेजी गई थी, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्हें अपने गंतव्य के लिए गजरौला से रवाना किया है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें, राज्य सरकार परिवहन विभाग कि इस खबर के माध्यम से, जिसमें 5 बसें में से 2 बसें धक्का स्टार्ट थी, जिसमें फंसे राहगीरों ने खुद धक्का मारकर बस को स्टार्ट कराया और उसके बाद वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए उदल सिंह की रिपोर्ट। बाहर से लोग आए, इनकी व्यवस्था के बारे में कैसे क्या कराया बताइए। बाहर से लोग आए हैं, मानी शासन के निर्देश क्रम में इनको आश्रय स्थल में रुकवाया जा रहा है। खाना भोजन का पैकेट पानी आदि की व्यवस्था करने के बाद हम लोग जो है बसों की व्यवस्था करके इनके गंतव्य स्थलों की तरफ हम रवाना कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के लोग इसमें हैं? बस्ती हैं, गोरखपुर के हैं, बलिया के हैं, झांसी के हैं, इटावा के हैं, इलाहाबाद के हैं, आपके प्रयागराज के और प्रतापगढ़ के हैं, लखनऊ के हैं, हरदोई के हैं, शाहजहाँपुर के हैं और बड़ा साइड के हैं।